नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है वो खबर है चीन को भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन ने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, बड़ी खबर आ रही है और भारतीय नौसेना ने चीन को करारा जवाब दिया है। चीन के विमान को वापस खदेड़ दिया गया है। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भारतीय सेना के लिए, भारतीय नौसेना के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद के नारे दोस्तों जरूर लिखें। दोस्तों आपको बता दूं कि चीन भारत में लगातार घुसपैठ की कोशिश करता रहता है, चाहे फिर वो लद्दाख का क्षेत्र हो, चाहे फिर वो अरुणाचल प्रदेश हो और चाहे फिर वो उत्तराखंड हो। हम अक्सर ऐसी घटनाएं आती रहती हैं, अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि चीन भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश करता रहता है। चीनी सेनाएं जो हैं वो कई बार भारत में घुसपैठ करती रहती हैं। आपको याद होगा कि उत्तराखंड में भी चीनी सेना ने घुसने की कोशिश की थी। इसके अलावा डोकलाम भी आपको याद होगा, जब चीन की जो सेना है वो भारतीय भारत के सामने आ गई थी। लेकिन आपको बता दें कि भारत की मोदी सरकार, उस वक्त तत्कालीन जो है विदेश मंत्री जो थी सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी, उन्होंने मतलब ये साफ कहा था संसद में कि हमारी सेनाएं, भारतीय सेनाएं तब तक अपना एक इंच भी पीछे नहीं हटाएंगी जब तक कि डोकलाम से चीनी सेना वापस नहीं चली जाती। तो यानी सेना को एक ताकत दी है इस सरकार ने, डिसीजिव मोड में लेकर आई है सेना को और अब सेना ने कुछ वैसा ही कर दिया है कि चीन को करारा जवाब दिया है। आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना प्रमुख करमवीर सिंह ने आज अरब सागर में चीन के विमान को भारत भेजने की वापस खदेड़ने की पुष्टि की है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि चीन के जहाज शियान एक को उन्होंने वापस खदेड़ दिया है। आपको बता दूं कि चीन का जो ये विमान था, ये जो जहाज था शियान एक, ये बिना किसी परमिशन भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, यानी इल्लीगल तरीके से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था और इसको भारतीय नौसेना ने करारा जवाब दिया है और वापस खदेड़ दिया है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने कड़ा संदेश दिया चीन के इस विमान को और ये कहा कि बिना किसी इंफॉर्मेशन के और बिना पूर्व अनुमति के आप हमारे क्षेत्र में दाखिल नहीं हो सकते। यह साफ संदेश दिया गया है चीन को। आपको बता दूं कि चीन के विमान दरअसल जो है घुसते रहते हैं अरब सागर में, चाहे फिर वो हिंद महासागर हो, इसमें दाखिल चीन जो है अपनी घुसपैठ करता रहता है और चीन की यह कोशिश रहती है कि इस घुसपैठ के जरिए चीन भारत में जासूसी कर सके, यानी भारतीय नौसेना के बारे में जासूसी कर सके। इसके साथ ही करमवीर सिंह ने और भी कुछ कहा है चीन को लेकर, बड़े बयान दिए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों कमेंट बॉक्स में नमो नमो, इसके साथ ही जय हिंद के नारे भारतीय नौसेना के लिए जरूर लिखें, क्योंकि आपको बता दूं कि चीन के जो विमान है पहले भी घुसपैठ की कोशिश करते रहे थे, लेकिन भारतीय नौसेना ने, जिस तरीके से भारतीय सेना अब चीन को करारा जवाब दे रही है, चाहे फिर वो डोकलाम हो, चाहे फिर वो आज का मुद्दा हो, इस तरीके से ये माना जा रहा है कि भारतीय सेना को नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से एक पावर दी गई है और उसी पावर का भारतीय सेना लगातार इस्तेमाल कर रही है और चीन हो या फिर पाकिस्तान, लगातार इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक तरफ आपको बता दूं कि पाकिस्तान सीज फायर का लगातार उल्लंघन करता है, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको भी भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है। तो दूसरी तरफ चीन को घेरने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले मेरे साथी ने आपको बताया होगा, हॉकफीड न्यूज में एक वीडियो आपके सामने आया होगा और जिसमें यह बताया हमने था कि चीन को घेरने के लिए, चीन को दुलत्ती मारने के लिए भारत की मोदी सरकार ने खास तैयारी कर ली है और लद्दाख में रूस के साथ चीन को घेरने की तैयारी है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में जापान के साथ चीन को घेरने की तैयारी की जा रही है। और इसी क्रम में एक बार फिर चीन को करारा जवाब दिया गया है भारत की तरफ से। आपको बता दूं कि चीन के जहाज शियान एक को भारत ने वापस लौटा दिया है और इस सवाल का जवाब नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि शियान एक को भारतीय क्षेत्र में आने वाले पानी से वापस लौटाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा स्टैंड इस मुद्दे पर साफ है कि अगर कोई भी देश हमारे जहाज हमारे अधिकार क्षेत्र में, इकोनॉमिक जोन में हमारे में आता है तो उसे पूर्व अनुमति लेनी होगी, यानी पहले से आपको अनुमति लेनी होगी, इंफॉर्मेशन देनी होगी और उसके बाद ही आप यहां पर दाखिल हो सकते हैं। इसके साथ ही नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह ने कहा कि चीन और पाकिस्तान का उत्तरी अरब सागर में नौसेना का संयुक्त अभ्यास प्रस्तावित है और हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए उन्हें भारत के क्षेत्र में आने वाले हिंद महासागर से होकर ही जाना पड़ेगा।
नौसेना की ताकत पर जोर भी दिया उन्होंने, एडमिरल करमवीर सिंह ने, और उन्होंने कहा कि अलकायदा और दूसरे आतंकी संगठनों की समुद्री गतिविधि को देखते हुए हम सुरक्षा के उपाय अपना रहे हैं। यानी नेवी चीफ ने आज साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के नौसेना जो क्षेत्र है, भारत का जो समुद्री क्षेत्र है, उसमें दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो उनको करारा जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि नौसेना दिवस से एक दिन पूर्व, कल जो है नौसेना दिवस है, और इससे एक दिन पूर्व भारतीय नौसेना के एडमिरल करमवीर सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है, चीन लगातार नापाक हरकतें करने की कोशिश कर रहा है और हम चीन की हर हरकत पर बारीक नजर बनाए हुए हैं, हम आतंकी घटनाओं से देश को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। और एडमिरल करमवीर सिंह ने कहा कि समुद्री लुटेरों के खिलाफ अभियान के तहत भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती के 44 प्रयासों को अब तक विफल कर दिया है और 120 लुटेरों को भी पकड़ा है। तो भारतीय नौसेना ने 44 जो समुद्री डकैती के जो प्रयास थे उनको विफल कर दिया और 120 समुद्री लुटेरों को अब तक पकड़ा है। आपको बता दूं, उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना के 50 युद्धपोत और पनडुब्बियां निर्माणाधीन हैं और जिनमें से 48 का निर्माण भारतीय शिपयार्ड में होगा। आपको बता दूं दोस्तों कि भारत की जो मोदी सरकार है वो लगातार सेना के हाथों को मजबूत करने का काम कर रही है। भारतीय नौसेना हो, भारतीय सेना हो, थल सेना हो या फिर वायुसेना हो, लगातार हथियारों की सप्लाई इन तीनों सेनाओं को की जा रही है। लगातार जो सैनिकों की जो मांगें हैं उनको पूरा किया जा रहा है, चाहे फिर वो बुलेट प्रूफ जैसी मांग हो। इसको भी लेकर पिछली सरकारों में सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन इसको भी भारत की मोदी सरकार ने पूरा किया। इसके बाद लगातार, चाहे फिर वो राफेल विमान का आना हो, चाहे फिर वो S-400 का आना हो, तो लगातार भारतीय सेना को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दूं नौसेना प्रमुख ने और क्या कहा। नौसेना प्रमुख ने कहा कि हम दीर्घकालिक योजना के तहत 3 विमान वाहक पोत को अपने बेड़े में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं और नौसेना को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है ताकि 2 हर समय चालू रहें। ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है 65,000 टन पानी की विस्थापन क्षमता के साथ जहाजों को हवा में ढकेलने और लैंडिंग सुविधा से लैस होने चाहिए। आपको बता दूं, इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत और कि पाकिस्तान और चीन का जो प्रस्तावित नौसेना संयुक्त अभ्यास जो है उस पर भी हम बारीक नजर बनाए हुए हैं। आपको दोस्तों बता दूं कि दरअसल पाकिस्तान और चीन की जो नौसेनाएं हैं ये 2020 में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने वाली है अरब सागर में, और अरब सागर में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल रेन के मुताबिक मीडिया को यह बताया गया है कि पाकिस्तान और चीनी सैन्य बल के वार्षिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर आधारित यह संयुक्त समुद्री अभ्यास जो है वो 2020 में आयोजित किया जाएगा। चीन का कहना है कि अभ्यास के लिए चीन की तरफ से विध्वंसक जंगी जहाज, 5 जहाज और पनडुब्बी बचाव जहाज भेजे जाएंगे। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास पर अब भारतीय नौसेना भी करारी नजर बनाई हुई है, बारीक नजर बनाई हुई है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान इस दौरान किसी नापाक हरकत को अंजाम दे सकते हैं। आपको बता दें कि चीन की लगातार यह कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से भारत में जासूसी की जाए और भारत में जासूसी के लिए विमान भेजे जाएं। आपको बता दूं कि दरअसल चीन इस कदर बौखलाया क्यों हुआ है। दरअसल अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर जब वो भाषण दे रहे थे, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के वक्त जब अमित शाह लोकसभा में भाषण दे रहे थे, गृहमंत्री अमित शाह, तो उन्होंने ये साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर से हमारा मतलब जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी जिसके हिस्से पर, जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने अपना अनाधिकृत कब्जा जमा रखा है उससे भी होता है और अक्साई चीन से भी होता है, यानी अक्साई चीन पर भी अमित शाह ने साफ बयान दिया था। दरअसल चीन इसी सब से बौखलाया हुआ है और भारत को चीन घेरने की लगातार कोशिश करता रहा है। अपने सदा बेकार दोस्त, सदा बाहर तो नहीं, सदा बेकार दोस्त जो है वो पाकिस्तान को लेकर वो हमेशा से भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है। लेकिन शी जिनपिंग को यह पता होना चाहिए, चीन को यह पता होना चाहिए कि इस वक्त देश में जो है वो मॉनसून की सरकार नहीं है, इस वक्त देश में मोदी सरकार है, एक सशक्त सरकार है, और उस सशक्त सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बेहद सशक्त हैं और गृहमंत्री अमित शाह वो भी बेहद सशक्त हैं। हर कोशिश का, चीन की हर नापाक कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों ये तो अरब सागर की बात रही, लेकिन आपको बता दूं कि चीन हिंद महासागर में भी लगातार घुसपैठ करता रहा है। आपको याद होगा कि
जून 2017 में भी चीन ने जो है पाकिस्तान के साथ एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया था, और यह नौसैनिक अभ्यास जो है वो हिंद महासागर में किया गया था। अब ये जो अभ्यास होने वाला है 2020 में, ये अरब सागर में होने वाला है। तो मतलब लगातार चीन जो है वो भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है, और चीन जो है अब चीन ने जिस तरीके से अपना विमान भेजा उसको भारतीय नौसेना ने खदेड़ने का काम कर दिया है। यानी भारतीय नौसेना ने चीन को यह बता दिया कि आप अगर अब कोई भी हरकत करने की कोशिश करोगे तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, भारतीय सेना के जवानों के लिए जय हिंद जरूर लिखें। इस खबर को हर हिंदुस्तानी हर भारतीय तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये आपके सीना चौड़ा करने वाली खबर है। हर देशभक्त का सीना जो है वो फूल कर कुप्पा हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय नौसेना ने करारा जवाब दिया है चीन को, इसकी उम्मीद चीन ने भी नहीं की होगी। चीन ने अपना ये विमान दरअसल जासूसी के लिए भेजा था, और चीन के इस विमान को वापस लौटा दिया गया, खदेड़ दिया गया। तो दोस्तों इस खबर को हर हिंदुस्तानी हर भारतीय के साथ शेयर करें। अगली खबर में आप तक जल्दी लेकर आऊंगा, लेकिन जाने से पहले दोस्तों देश हित चैनल है हॉकफीड न्यूज, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।